मुरादाबाद जनपद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मुरादाबाद पहुंचे थे, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रामपुर जिले के टांडा बादली निवासी एक बीमार महिला और उसके पति पहुंचे थे, जिन्हें प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद महिला और उसका पति मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़ गए और हंगामा हो गया। हंगामा होता देख तुरंत ही प्रशासन के द्वारा महिलाओं को आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला का उपचार स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। महिला का आरोप है कि वो पिछले 10 दिन से मुरादाबाद के जिला अस्पताल के चक्कर काट रही है। उसका परिवार बहुत गरीब है और किराए के मकान में रहता है। उसका पति भी उसकी बीमारी के चलते कमा नहीं पा रहा है, उसके बावजूद भी उससे रिश्वत मांगी गई है। बानू नाम टांडा बादली। हम सुबह यहाँ पे आए, सारी जांचें, सब रिपोर्टें, सब कुछ लेकर। वैसे तो हम 10 दिन से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, आज ये काम कराओ कल ये काम कराओ। इस अस्पताल के 10 दिन हो गए हमें चक्कर काटते काटते। हमने सब कुछ तैयार करा लिया, आज सब कुछ कंप्लीट करके लेकर आए हम, आज बिल्कुल सब कुछ जांचें सब कुछ लेकर। फिर जो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं वो 9 नंबर में बैठे थे, उन्हें ले जाकर वो फाइल दिखाई तो उन्होंने जो है जब फाइल देखी, फाइल देखते कुर्सी पे से खड़े हो गए, उठ गए बैठे हुए से। कल जो है हमने श्यामों से उस पर लिखवा लिया था, हमने उनसे कह रखी थी कि 10 दिन से हमसे रिश्वत मांग रहे हैं, तो इसलिए हमने श्यामों से कल कह दिया था, तो उन्होंने लिख दिया था कि तुमसे कोई रिश्वत नहीं लेगा। इन्होंने जो सैन देखे, उनके लिखा हुआ देखा, तो ये कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। वो खड़े होकर बोले कि तुम्हें 7,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तो तुम आज ही एडमिट करा जाएगा, और वरना नहीं तो नहीं होगा तुम्हारा ऑपरेशन। तुम कितने भी शोर लगा लो, तुम्हारा ऑपरेशन न होगा। और तुमने मतलब सबसे ताकत लगा ली, सबसे मतलब लिखा हुआ देखा तो सबसे ताकत लगवा ली, और करवाया जाए तो तुम करवा लो अपना ऑपरेशन, हम नहीं करेंगे। और एट्रोसोन उठा कर मेरे मुँह पर फेंक कर मारा, मेरे मुँह पर आन के लगा एट्रोसोन। मैंने बहुत हाथ जोड़े, बहुत क्या मनी, मेरी 4 बेटियाँ किराए के घर में रहें, टांडा बादली में रहते हैं, तुम इंक्वायरी करा लो। बोले नहीं होगा आपका ऑपरेशन, किसी के पास भी जाओ। फिर हम श्यामों के पास आए, फिर ऊपर आए हम, तो वहाँ आन के हमने अपनी शिकायत करी, तो उन्होंने उनको भी बुलवाया वहाँ पर, तो उन्होंने उनसे भी वहाँ यही कहा कि अब मैं नहीं करूँगा ऑपरेशन। इस पूरे मामले को लेकर सीएमएस डॉक्टर एन के गुप्ता का कहना है कि पीड़िता ने एक स्वास्थ्य कर्मी पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। डॉक्टर साहब, एक महिला पेशेंट है बानू, जो रामपुर से मुरादाबाद इलाज के लिए आई थी, क्या उसे अस्पताल में भर्ती कराया? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भर्ती है और इसमें आयुष्मान वार्ड में भर्ती है हमारे, और वो आई थी पत्रकार, वो उस उन्होंने कुछ जो है ना गॉलब्लैडर स्टोन की कंप्लेंट बताई थी, और एक किसी कर्मचारी के बारे में उन्होंने शिकायत भी की थी, और उसमें हमने जांच बिठा दी है, और अगर वो जांच में दोषी पाया गया तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आज वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। जी 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 जी। और वहाँ वो नहीं मिल पाई, लेकिन यहाँ पर उन्हें भर्ती कराया। जी 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 जी। क्या रिश्वत का मामला वो? नहीं नहीं, वो ऐसा था ना, वो कह रहे थे कि उनको जो असल में एक किसी कर्मचारी के लिए उन्होंने मुझसे, मैंने नाम भी पूछा, नाम उन्होंने मेरे को नहीं बताया था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि जिसके बारे में वो शिकायत करी थी उसके खिलाफ हमने जांच बिठा दी है, और डॉक्टर को भी, जो भी कंसर्न डॉक्टर है, जो उसको भी हमने स्पष्टीकरण मांग लिया है कि किसी भी आगे कभी भी किस तरह की कोई शिकायत मेरे पर नहीं आनी चाहिए, और जो भी है आप सबको मानवता के नाते देखें, और उस पर ह्यूमन ग्राउंड पर हर मरीज को प्रायोरिटी पर देखा जाए और प्राथमिकता पर देखा जाए, ये मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है। आज बुलाकर मैंने मीटिंग में भी दोबारा समझा दिया है। अच्छा, अभी हम मरीज से मिले तो उनका कहना है भर्ती हो गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चला हमारा ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ बात अलग है। भर्ती हो गए हैं तो वो डॉक्टर सर्जन के अंडर में हैं, डॉक्टर सम्स अभी उनका इलाज कर रहे हैं, और आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी में आते ही अभी डॉक्टर शिव सिंह उनको देख चुके हैं, वो सर्जन है हमारे सीनियर, आप सभी जानते होंगे, और उनका पक्का, इनके जो भी होगा जांच में, जो भी कल कुछ जांचें होती हैं, बेसिक जांचें होती हैं ऑपरेशन से पहले,
हेपेटाइटिस बी सी एचआईवी वगैरह और जो भी कंप्लीट ब्लड चेकअप, उसके बाद जैसा भी होगा ईसीजी वगैरह के बाद जो भी होगा बेस्ट इलाज होगा उनका, और वो यहाँ से संतुष्ट होकर ही जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। एलिगेशन है सर 7,000 रुपये एक डॉक्टर ने मांगे। नहीं नहीं, डॉक्टर का नहीं बोला मेरे से भी, स्टाफ का बोला था किसी का, मैंने उसके लिए जांच बना दिया और डॉक्टर के खिलाफ भी मैंने ना एक स्पष्टीकरण मांग लिया है, आज ही खुद मांगा है वो। डॉक्टर साहब ये परिवार आपसे मिला था क्या? नहीं, ये मेरे पास आए थे, उसी समय मैंने डॉक्टर को बुला लिया, उसी समय डॉक्टर को बुला लिया, तो उसमें जो है ना वो डॉक्टर मना कर रहे थे कि मेरे साथ ऐसी बात नहीं हुई, फिर उन्होंने किसी कर्मचारी का नाम लिया, तो मैंने उस कर्मचारी के खिलाफ 3 डॉक्टर की जांच बिठा दी है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठाई गई है जो हमारे अधीक्षक हैं, और बिल्कुल जो भी होगा अगर जरा सा भी उसमें कुछ इस तरह का फाउल प्ले या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम इस तरह का मिलता है, मैं तुरंत बहुत कड़ा एक्शन लूंगा, आप भी सब देखेंगे। इस पूरे मामले की जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है, अगर आरोप सही पाया गया तो कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और जिस डॉक्टर से पीड़ित की मुलाकात हुई है उस डॉक्टर से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, डॉक्टर को भी मरीजों के प्रति मधुर व्यवहार रखने की हिदायत दी गई है।